हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर इम्पोर्टेंट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, आपका जो ये चैनल है इस पर रेगुलरली आपको पेनी स्टॉक से रिलेटेड वीडियोज़ की अपडेट मिलती है। तो प्लीज़ जो भी साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसनेट एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड। देखिए दोस्तों, जब ये स्टॉक 7 रुपये पर होता था तब भी हमने इस पर वीडियो बनाया था। अगर आपने ना देखा हो तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और अभी स्टॉक 7 रुपये का 20 रुपये तक पहुंच चुका है। तो आज भी मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम स्टॉक की आज की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत दिनों के बाद हमें आज स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिला है। 22 रुपये का हाई आज के दिन लगाने के बाद फाइनली स्टॉक लोअर सर्किट में बंद हुए हैं। पिछले एक महीने में देखें तो आप देख सकते हैं 116%, 6 महीने में देखें 773% के रिटर्न्स, 1 साल में देखें तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त रिटर्न्स, 931% के रिटर्न्स जो हैं इसने पिछले 1 साल में अपने निवेशकों को दिए हैं। और आपको पता ही है, ये जो कंपनी है आईटी सर्विसेज और ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विसेज और आईटी सर्विसेज ये प्रोवाइड कराती है। तो क्या ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से अब स्टॉक में लोअर सर्किट लगने शुरू हुए हैं? हमने पहले भी आपको रिकमेंड किया था कि इस स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए, बट कुछ साथियों ने उसमें मींस जब लालच में आके आप लोग बाय कर लेते हैं, बट बाद में फिर आपको मींस बड़ी परेशानियां होती हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेटा शेयर करता हूँ। जी, यहाँ आप देख सकते हैं कि आज ही के दिन जो है कंपनी ने 1 सितंबर को 52 वीक हाई अचीव किया है, बट उसके बाद कंपनी लोअर सर्किट में बंद हुई है। वहीं कंपनी के अगर मैं मींस इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास सिर्फ 16% की होल्डिंग है, पब्लिक इसमें 83.38% बनी हुई है। आगे एक इम्पोर्टेंट इवेंट है इसका कंपनी का 3 सितंबर को, आप यहां देख सकते हैं, ये चीज़ यहाँ दिखेगी आपको कि 3 सितंबर को कंपनी फंड रेजिंग का लिए कंपनी ने बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग को बुलाया है और उसमें फंड रेज और अदर कोई बिजनेस अगर मैटर होगा तो वो उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो मींस कंपनी फंड रेजिंग की तरफ बढ़ रही है, ये उस मीटिंग का एजेंडा होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि कोई भी कंपनी फंड रेज जब करती है तो अपने बिजनेस को वो इन फ्यूचर एक्सपेंड करने के लिए ये चीज़ें करती हैं। अब दोस्तों, ये हमने देख लिया कि प्रमोटर होल्डिंग इस स्टॉक में थोड़ी कम है, ये एक मुझे यहाँ थोड़ा डरावनी चीज़ नज़र आती है। अब आगे अगर मैं बात करूँ, अभी मींस उस एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं आज की अगर हम बात करें तो आप आज देख सकते हैं कि स्टॉक में लोअर सर्किट हमें देखने को मिला है। तो ये एक मींस आज जो इतनी शानदार तेज़ी बनी हुई थी उसका एक कहीं ना कहीं आज रुकती हुई वो हमें नज़र आ रही है। अब दोस्तों, मैं आपको और एक और इम्पोर्टेंट डेटा यहाँ दिखाना चाहूँगा। इस कंपनी को जब पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आपको बोला था कि इस कंपनी को आपको अभी जब ये इतना स्टॉक आग की तरह भाग रहा है तो इसको भागती ट्रेन को नहीं पकड़ना है, बट बहुत से साथियों ने गलती की है। वो मैंने इसलिए बताया था, आप कंपनी के रिजर्व्स देखिए, कंपनी के रिजर्व्स पिछले 5 सालों में नेगेटिव पड़े हुए हैं, कंपनी के रिजर्व्स माइनस में हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हाँ ये ठीक है कि यहाँ से कम जो है कंपनी ने कर्ज लॉन्ग टर्म में कम किया है, शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं अच्छी बात है, 0 कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। उसके बाद अगर मैं कंपनी के अभी मींस करंट के जो कंपनी के कैश है वो कंपनी के पास अभी 5.5 करोड़ के ऊपर है, ये भी एक अच्छा साइन है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के बारे में और इसके डिटेल में अगर हम जाने तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप अभी 1000 करोड़ को पार कर चुका है, बट
मार्केट कैप छोटा है, स्मॉल कैप ये कंपनी है, तो दोनों आर, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, ए वन स्टैंड्स फॉर रिस्क एंड सेकंड स्टैंड्स फॉर रिवार्ड, दोनों रहेंगे। और ये ज़्यादा रिस्की स्टॉक हमें यहाँ नज़र आता है। स्टॉक पी आप देखिए 658 पहुँच चुका है, बड़ा मीन्स डेंजरस साइन यहाँ हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो उतने मीन्स, अगर मैं बात करूं जिस हिसाब से इसने रिटर्न्स दिए हैं उस हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस में वो दम अभी नहीं नज़र आ रहा है। अगर इस क्वार्टर की बात करें तो 37 लाख का प्रॉफिट हुआ था, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले 50% से भी ज़्यादा डाउन आया था। इसके अलावा अगर मैं आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का डेटा दिखाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास 2016 से मैं आपको दिखा देता हूँ। 2016 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट वो लॉस में थी कंपनी, उसके बाद अगेन यहाँ लॉस में दिखी, उसके बाद आप देख सकते हैं सिर्फ 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस। और मींस अभी जो है एक साल पहले ही कंपनी को, मींस अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कंपनी ने पिछले 5 से 7 सालों में लगभग 80% लॉस बुक किया है, तो ये एक बड़ा डेंजरस साइन है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बताया, वहाँ से वीक पॉइंट नज़र आ रहा है कि कंपनी में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो सिर्फ 16% है, पब्लिक इसमें ज़्यादा भरी हुई है, तो ये एक गैम्बलिंग मीन्स स्टॉक को भुगा वापस तेज़ी लाई जाती है, फिर उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। और आज के दिन वो फाइनली ये चीज़ होनी ही थी, आज वो होता हुआ दिखाई दिया। अब आगे इसमें आपको काफ़ी लोअर सर्किट्स देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा से ये बात मैंने आपको बताई है, जब ये स्टॉक 6-7 रुपये पर भी था तब भी मैंने वीडियो के माध्यम से अपडेट दी थी कि आप लोग इस शेयर से दूर रहें, क्योंकि इस ये भयंकर रिस्की स्टॉक हमें वहाँ भी नज़र आ रहा था। आज भी मैं अपनी उसी बात पर अटल हूँ कि ये स्टॉक में अभी इसका वैल्यूएशन जो है हमें काफ़ी महंगा नज़र आ रहा है। हाँ, अगर ये इन फ्यूचर अच्छे नंबर्स ये कंपनी प्रेजेंट करती है आने वाले क्वार्टर्स में, अगर अच्छा करती है देन हम इसमें सोच सकते हैं कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करें, बट अभी के लिए फ़िलहाल अभी भी जिन साथियों अभी भी जो कोई सोच रहा होगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, तो प्लीज़ आप लोग अवॉइड करें, ये एक भागती ट्रेन है और इसमें आपको फंसाया जाएगा, आपका पैसा लूटा जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग अवॉइड करें। और जिन भी साथियों ने अगर प्रॉफिट में है तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स का कुछ भी कोई नहीं जानता, ये ऑपरेटर्स बेस्ड स्टॉक होते हैं, ये यहाँ से अब शायद से अगर ये गिरना स्टार्ट हुआ तो आप देखोगे कि ये 20 से 5 रुपये पर भी आ सकता है, और अगर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो 20 से 50 भी हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा रिस्की ये स्टॉक हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को देनी थी, क्योंकि बहुत से साथियों के इस स्टॉक के बारे में क्यूरी थी कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए दोस्तों, ये इस तरह के स्टॉक्स में ऑपरेटर बेस्ड जो स्टॉक्स होते हैं जिनमें तेज़ी होती है, उनके अंदर ये अपर सर्किट लोअर सर्किट का गेम चलता रहता है। काफ़ी दिनों से अपर सर्किट्स में चल रहा था और आज फाइनली लोअर सर्किट में देखने को मिला है। अब देखते हैं कल कैसा मींस ये कंपनी परफॉर्म करती है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में, अगर आपको अपडेट और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।